सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आज सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सो तो इस वीडियो में हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में, उनसे जुड़ी हुई कुछ हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिटेल में कवर करेंगे। सो स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आप लोगों के पास है किसी भी लेवल पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। सो आरती इंडस्ट्री लिमिटेड में आज के दिन एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आया। सो डायरेक्टली हम उस न्यूज़ के ऊपर जाने से पहले अगर हम स्टॉक के कुछ परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे कि फ्राइडे के दिन, सो फ्राइडे के दिन इन स्टॉक में हमें एक नॉर्मल करेक्शन देखने को मिला था लगभग 101% के आसपास। लेकिन अगर हम पिछले 6 मंथ के परफॉर्मेंस की बात करें तो 25% की गिरावट, और अगर हम पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो 30 एग्जैक्टली देखोगे टॉप से तो 30-35% का आपको टॉप से लेकर बॉटम तक स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो इन स्टॉक में ऑलरेडी आप देखोगे तो टॉप से लेकर बॉटम तक 35% आपको वैसे करेक्शन देखने को मिल जाएगा। फिर भी एक ऐसे रिपोर्ट आ रहा है जो कि इन स्टॉक में, उस रिपोर्ट के चलते अगर ऐसा होता है तो इन स्टॉक में जो गिरावट है आपको और भी गिरावट है भी मतलब स्टॉक में और भी आपको गिरावट देखने को मिल सकता है, और स्टॉक लगभग दोबारा से भी आपको 500 के नीचे भी जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो वो न्यूज़ का है, और उस न्यूज़ का इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ के इन स्टॉक में पड़ते हुए आपको देखने को मिल सकता है, या फिर बाकी और भी जो कंपनी है उनमें भी आपको पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। सारे पॉइंट को हम A to Z डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं वो न्यूज़ किससे रिलेटेड है, और वो न्यूज़ है दोस्तों कंपनी के Q4 के नंबर से रिलेटेड। सो आप देख पाएंगे एक रिपोर्ट हमें पब्लिश होते हुए देखने को मिला जिनमें ये मेंशन है जी बिजनेस के साइड से कि कंपनी का जो प्रॉफिट रहेगा तो उस प्रॉफिट में लगभग आप बोल सकते हो 35% का हमें फॉल देखने को मिल सकता है, मतलब ईयरली बेसिस पे। चलो हम क्वार्टरली बेसिस पे 2-5% की गिरावट हाँ मान के चल सकते हैं, लेकिन ईयरली बेसिस पे 35% कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट में गिरावट होगा तो मतलब ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हो सकता है उन स्टॉक के मोमेंटम के लिए। साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी के Q1 बेसिस पे लगभग 2.3% के आसपास आपको स्टॉक में मतलब कंपनी के परफॉर्मेंस में आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में 35% तक आपको गिरावट देखने को मिल सकता है, और जो प्रॉफिट आएगा लगभग 126 करोड़ के आसपास। तो अगर हम इसको पिछले साल से मतलब कंपनी के पिछले बार जो नंबर है मार्च और दिसंबर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी ने नंबर अपना प्रेजेंट किया था Q3 के जो कि 137 करोड़, और एक साल पहले जो कंपनी नंबर प्रेजेंट किया था 194 करोड़, तो मतलब 194 करोड़ अगर 126 करोड़ प्रॉफिट आता है, जैसे पहले आपने देखा होगा मेंशन किया हुआ कि 35% से ज़्यादा की गिरावट होगा नेट प्रॉफिट में, और क्वार्टरली बेसिस बात करें तो क्वार्टरली बेसिस 137 करोड़ की अगर नेट प्रॉफिट 126 करोड़ आता है तो क्वार्टरली बेसिस भी आपको अच्छे खासे गिरावट देखने को मिलेगा। अगर ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पर अगर इस बार के नंबर में अगर इतने शानदार गिरावट होता है तो नो डाउट उसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक प्राइस में ज़रूर देखने को मिल सकता है। सो ये जो रिपोर्ट आया कि इन स्टॉक के इस कंपनी के इस बार के नंबर में इतनी शानदार गिरावट हो सकता है, कंपनी के ओवरऑल नंबर में इतने शानदार इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, सो इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है। सो इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न है दोस्तों, आपको पता है जो आरती इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी है उनके मैक्सिमम जो कोर सेगमेंट है एकदम कोर सेगमेंट वो है दोस्तों कंपनी के स्पेशलिटी केमिकल, जिनमें वो 83% इनकम जनरेट करता है। अगर कंपनी 100 रुपये का बिजनेस करता है तो उनमें सिर्फ और सिर्फ 83 रुपीज़ कंपनी इसी सेगमेंट से इनकम करते हैं। तो उन्हीं सेगमेंट में एक हमें प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है जो कि बिंजेन करके, तो उनके प्राइस हमें अच्छी तरह से ड्रास्टिकली हमें फॉल होते देखने को मिले, जिनके चलते उनके सेल्स में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, उनके मार्जिन में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, उनके ओवरऑल जो नंबर होता है उनमें आपको इन चीज़ के चलते आपको एक अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट करूँ कि मिल सकता है, हो सकता है ये चीज़ें, इसलिए क्योंकि ये सारे जो चीज़ें हैं दोस्तों रिपोर्ट के जरिए यानी कि जी बिजनेस के साइड से ये रिपोर्ट हमें पब्लिश होते देखने को मिले। सो एक्चुअल डेटा तो हमें कल के दिन, ज़्यादा आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं, कल के दिन Q4 के नंबर 8 में यानी कि कल के दिन मंडे के दिन इस कंपनी के Q4 के अर्निंग आएंगे, उसके बाद सारी चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी हमारे सामने आ ही जाए। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि कंपनी जो अभी जो ये डेटा पब्लिश हुआ है रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी के नंबर आए या फिर रिपोर्ट से अच्छे आए या फिर रिपोर्ट के मुताबिक आए, ये सारे पॉइंट का हम डिटेल में ज़रूर कवर करेंगे। लेकिन नो डाउट दोस्तों अगर ऐसा होता है तो स्टॉक में आपको एक अच्छे खास गिरावट भी ज़रूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर रियली बेसिस पे इतने गिरावट होते हैं हैवीली, नो डाउट रियली बेसिस को बीट करना थोड़ा सा टफ तो ज़रूर रहेगा, लेकिन फिर भी एटलीस्ट क्वार्टरली बेसिस तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ, और क्वार्टरली बेसिस भी जो 137 करोड़ के जो प्रॉफिट दिखाए थे अब
एक्सपेक्ट करके ये चल रहा है कि 126 करोड़ के प्रॉफिट आएंगे, मतलब क्वार्टरली बेसिस भी अच्छे खासे गिरावट। अगर क्वार्टरली बेसिस कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट होगा तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस पे दोबारा से मुझे लगता है आपको 500 के नीचे भी जाते हुए देखने को मिल सकते। तो क्या जिनके पास आरती इंडस्ट्री है, खास करके जिन्होंने स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया, मतलब इस टॉप पे, तो क्या उनको जब अगर इसके चलते पैनिक होकर एग्जिट होकर निकल जाना चाहिए, और जब स्टॉक के नंबर आ जाए, स्टॉक में अगर गिरावट हो जाए ऐसे नंबर आके फिर हम दोबारा एंट्री करें, तो उससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के जरिए है। एक्चुअल में डेटा तो हमें कल के दिन ही देखने को मिलेगा। अगर नंबर ख़राब भी आता है और गिरावट भी होता है, तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ ये चीज़ें चलते रहते, ये माइक्रो आप बोल सकते हो कि ये छोटी मोटी चीज़ें चलते रहता, बाजार में आते हो ना आप, खुद अगर कोई एक बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस में आपको अप्स एंड डाउन ज़रूर देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जाके आप अपना बिजनेस ही बंद कर दो, तो इस चीज़ से वो कंपनी इजीली डील कर लेगा, क्योंकि कंपनी आज की कोई कंपनी नहीं, कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, 1995 की तो ये लिस्टिंग है। तो इतना ही कहना चाहूँगा, बस कंटिन्यू कीजिए और कल के दिन स्टॉक को फोकस में ज़रूर बना के रखना, जैसे नंबर आएगा मैं आपको अपडेट ज़रूर कर दूंगा। देन और मैं आपको क्यों और एक पॉइंट कवर कर लेता हूँ, मैं आपको क्यों बोलो बार बार कि नंबर अगर खराब है तो क्यों गिरावट होगा, क्योंकि हाल ही में 500 के नीचे स्टॉक गए थे, उसके बाद एक अच्छा खासा कमबैक दिखा है और उसको बस सस्टेन भी कर रहे हैं। तो अगर इस बीच में अगर ऐसे नंबर आता है तो ईजिली जो रैली दिखा है कुछ दिनों में, वो आपको ऑब्वियसली गिरावट देखने को मिल जाएगा और स्टॉक हो सकता है 500 के नीचे भी जाए, जो कि बिल्कुल भी अच्छे साइन नहीं होगा। तो प्लीज़ कल के दिन स्टॉक को आप अपने रडार के ऊपर ज़रूर फोकस में रखना, क्या ड्यूरिंग द बाजार नंबर आता है तो आपको रिएक्शन देखने को ज़रूर मिल जाएगा, आफ्टर मार्केट आता है तो मैं नंबर को ज़रूर कवर कर लूँगा। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारा विनीति ऑर्गेनिक लिमिटेड के बारे में। विनीति ऑर्गेनिक बहुत ही फैंटेस्टिक, बहुत कमाल की कंपनी, मैं बहुत बार इसके रिकॉर्डिंग वीडियो बना चुका हूँ। इन स्टॉक को कवर में क्यों करूँ, क्योंकि इन स्टॉक के अभी तक तो नंबर आए नहीं, ना ही कंपनी के नंबर के डेटा है, तो मैं इन स्टॉक को इसलिए कवर करूँ दोस्तों, क्योंकि इस कंपनी की आप देखोगे मैक्सिमम इनकम मतलब मैंने जो आरती इंच को कवर किया था उसमें से 83% अगर कंपनी 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से सिर्फ 83 रुपीज़ कंपनी के उन्हीं सेगमेंट से आते हैं, कौन से, स्पेशलिटी केमिकल। लेकिन अगर हम विनीति ऑर्गेनिक की बात करें, विनीति ऑर्गेनिक अगर 100 रुपये कमाते हैं तो 98 रुपीज़ से भी ज़्यादा कंपनी एक ही सेगमेंट से कमाते हैं। तो ये भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आरती इंडस्ट्री के नंबर में कल के दिन वाकई इस रिपोर्ट की जाता अगर इंपैक्ट होता है, ऐसे नंबर आता है जैसे जी बिजनेस ने रिपोर्ट पब्लिश किया, मतलब स्पेशलिटी केमिकल में जो हमें जेनबिन का जो प्राइस हमें फॉल होते हुए देखने को मिला, तो ऑब्वियसली जितने और भी स्पेशलिटी केमिकल में काम करने वाली कंपनी है उनमें भी ये देखने को दिक्कत साथ मिल सकता है। तो अगर कल के दिन आरती इंडस्ट्री के नंबर मतलब डिक्लाइन होता है या फिर खराब आता है और इस चीज़ के चलते, तो क्या बाकी जब इसके बाद जब विनीति ऑर्गेनिक या फिर जितनी भी स्पेशलिटी केमिकल में काम करने वाली कंपनी है, क्या उनके नंबर में इंपैक्ट होगा, ये भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके लिए आप विनीति ऑर्गेनिक को जरूर फोकस में रख सकते हो। अगर इन स्टॉक की बात करें, फिर इस कंपनी की बात करें, एक एक साल की बात करें, शानदार परफॉर्मेंस। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि किस चीज़ के लिए आप शानदार परफॉर्मेंस बोल रहे हो दोस्तों, आप देख रहे हो रिटर्न तो नहीं है लेकिन गिरावट भी नहीं है, और इस टाइम पे किसी भी आप केमिकल स्टॉक को उठा के ले लो, फिर किसी भी अदर स्टॉक को उठा के आप ले लो, मैक्सिमम स्टॉक आपको गिरावट एक साल में 20-30% आपको करेक्शन ही दिखाते देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ स्टॉक ने ऑलरेडी 5 साल में इतने शानदार 300% रिटर्न देने के बाद भी कोई गिरावट नहीं, स्टॉक एकदम टॉप पे। तो इस बीच में अगर ऐसे नंबर आता है, इसका इंपैक्ट अगर इन स्टॉक में होता है, तो नो डाउट इन स्टॉक में भी थोड़ा बहुत आपको गिरावट देखने को, यानी कि एक मौका आपको बनते हुए देखने को जरूर मिल जाएगा। आपका विनीति ऑर्गेनिक है तो कल के दिन आप आरती इंडस्ट्री को भी जरूर फोकस बना के रखना। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारा लक्ष्मी ऑर्गेनिक। तो क्या लक्ष्मी ऑर्गेनिक में भी सेम, क्या स्पेशलिटी केमिकल में मैक्सिमम इनकम आता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो आप देख पाएंगे एग्रोकेमिकल, फार्माकेटिकल, अदर्स में बात करें, प्रिंटिंग पैकेजिंग की बात करें, स्पेशलिटी केमिकल में आप बोल सकते हो, अगर होगा भी तो ये अदर में ही आ जाएगा, मतलब बहुत ही माइनस होगा 2-5% के आसपास। तो मैं इन स्टॉक को इसलिए कवर करूँ क्योंकि 12 मई को कंपनी के नंबर है और इस बार के नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, उसके पीछे का दो मेन रीज़न है। पहला रीज़न की बात, लगातार कंपनी पुअर नंबर दिखा रहा है, पुअर मतलब बहुत ही पुअर। आपसे एक साल पहले, 5 क्वार्टर पहले जो कंपनी सेल्स प्रेजेंट करते थे 800-900 करोड़ के आसपास, उसके बाद 750-750 अब एक ही रेंज में देखने को मिले, तो कि कंपनी इस बार एटलीस्ट अपना सेल्स को बीट करेगा, क्योंकि जो कंपेयरिंग होगा वो इससे कंपेयर होगा 880 के, तो इस बार के नंबर तो ईयरली बेसिस बहुत ही टफ रहने वाला है। साथ ही साथ स्टॉक ने नंबर आने से पहले जो गिरावट हुआ था, एक निचले स्तर से 220 से जो कमबैक दिखा है, लगभग 300 के लेवल को भी स्टॉक हमें टच करते हुए देखने को मिला, ब्रेक नहीं किया। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 300 के लेवल को ब्रेक करना इतना इजी नहीं रहेगा, अगर हाँ इसी बीच में अगर एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाता है कंपनी की साइड से तो ब्रेक वो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो वैसे ब्रेक भी कर देते बाजार के तेजी के चलते, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, कब तक, जब तक कंपनी के Q4 के नंबर ना आए। तो प्लीज़ किसी को डिसीजन लेनी है कि जिसने इस लेवल पर खरीदा होगा और अभी भी 50% गिरावट है और स्टॉक भागे जा रहे कि एवरेज करना चाहिए, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं अपने हिसाब से इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि प्लीज़ 12 मई को कंपनी के नंबर है, नंबर देखना, क्योंकि लगातार कंपनी पुअर ही नंबर दिखा रहे, नंबर अच्छे आए तभी इसमें आप एवरेज और फेस बैंक करने के बारे में डिसीजन ले सकते हो। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हेडविनी इंडिया लिमिटेड।
सो जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ एक अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिखाई, लगभग 340% के आसपास के रिटर्न। साथ साथ कंपनी के मैनेजमेंट ने 1:3 का बोनस डिक्लेयर किया, 1:10 का स्प्लिट डिक्लेयर किया। तो जिनके पास है उनके लिए गुड न्यूज़ है, जिनके पास है नहीं स्प्लिट के चलते बोनस के चलते ऐसे स्टॉक को फ्रेश बाय मत करना दोस्तों। अच्छे स्टॉक के साथ रहोगे तो ऐसे कॉर्पोरेट एक्शन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। सो बेटा इतना कोई डाउट है।